डॉक्टर माया गुंडारी, मायानी हॉस्पिटल में काम करते, जिसमें हम 9:30 से अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे। अचानक 11:30 के करीब हमारे बिल्कुल साथ वाले प्लॉट वाले ने फ़ोन किया कि अंदर से मकान से धुआं निकल रहा है और आग की लपटें निकल रही हैं। उस टाइम हम अस्पताल से वैशाली नगर गए हुए थे, वहाँ हमारे कोई प्रोग्राम था, मतलब उसमें हमारे मौसा जी की वो थे, बरसी उत्सव में गए थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ से मेरे को आने में भी आधा घंटा लगा। पड़ोसियों को मैंने इन्फॉर्म किया था कि मायानी हॉस्पिटल के स्टाफ को भी इन्फॉर्म किया था कि जल्दी पहुँच के उस पर कंट्रोल किया जाए। मैं लगभग 20-25 मिनट बाद पहुँचा, जब तक मकान में पूरा नष्ट ही हो गया। जो भी मेजर सामान रखे हुए थे, फ्रिज है, टीवी है, अंदर सोफ़ा है। करीबन कितने का नुकसान? करीबन 8-10 लाख के आसपास हो गए। अच्छा, कोई आग लगने का कारण सामने है? आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है। अंदर तो कोई कुछ जला नहीं रखा था। हम गए थे, रोज ही जाते हैं, रोज ही हमारी सिस्टर सो रही थी पास वाले कमरे में, जो सेकंड बेडरूम है उसमें हमारी बड़ी सिस्टर है, वो रहती है, वो सो रही थी। उनको तो इन्होंने निकाल दिया। कैसे? आग पे काबू पा लिया? अभी आग पे काबू पा लिया गया, फायर ब्रिगेड को भी बुलाया और पड़ोसी ने, सभी ने मिल के सहयोग किया। जिससे ठीक है, आपका नाम बताइए। डॉक्टर मनोहर गुंडा। आधा घंटा पहले कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि मायानी हॉस्पिटल के पीछे सिंधुवाड़ी में एक डॉक्टर का मकान है, उसके अंदर आग लगी हुई है। आज इतला पे तुरंत जाप्ता लेके मौके पाया तो देखा कि डॉक्टर साहब का 2 मंजिल का मकान है, करीब 200 स्क्वायर फीट का है, उसमें नीचे वाले पोर्शन में आग लगी हुई थी। कॉलोनी वाले और मीडिया बंधु सभी मिल के उसमें आग बुझाने में हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, हमने भी हेल्प करी है। और फायर ब्रिगेड की छोटी वाली गाड़ियां आ गई मौके पे, दोनों उन्होंने मिल के आग पे कंट्रोल किया है, कोई जनहानि नहीं हुई है। क्या नाम है नुकसान का? माया नुकसान का कुछ आकलन? नुकसान का आकलन, नीचे वाला पोर्शन में करीब करीब सभी जल के नष्ट हो गया है और ऊपर वाले पे नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, नाम बता।